हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द लीगल सागा। आज हम शुरू करने वाले हैं लॉ ऑफ टॉर्ट्स में अपना थर्ड लेक्चर, मेंटल एलिमेंट इन टॉर्ट्स। इस टॉपिक को हम एक क्वेश्चन की तरह देखेंगे और क्वेश्चन ये है कि क्या मेंटल एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं टॉर्ट्स कमिट करने के लिए, या क्या मेंटल एलिमेंट्स एक बहुत वाइटल इंपॉर्टेंट पार्ट है टॉर्चेस लाइबिलिटी क्रिएट करने के लिए। देखिए, हम सब जानते हैं, हमने आईपीसी में पढ़ा है क्राइम के बारे में, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है उन्हें मैं बता दूं, क्राइम का मतलब होता है मेंस रिया प्लस एक्टस रिया, जिसमें मेंस रिया जो होता है वो है गिल्टी माइंड या इंटेंशन, और एक्टस रियस होता है एक्ट। अगर मेरा इंटेंशन है किसी को नुकसान पहुंचाने का और उस इंटेंशन के तहत मैंने वो एक्ट करी जिससे सामने वाले को नुकसान पहुंचा, तब वो कहलाएगा क्राइम। यानी मेंस रियस और एक्टस रियस दोनों का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटेंशन होना और उस इंटेंशन के तहत आपने कोई स्टेप ली, एक्ट किया, वो होना इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इंटेंशन रखना किसी को नुकसान पहुंचाना क्राइम नहीं होता, सिर्फ एक एक्ट करना बिना इंटेंशन के वो भी क्राइम नहीं होता। ये दोनों का साथ में कॉम्बिनेशन मस्ट है टू कंस्टिट्यूट क्राइम। तो क्या लॉ ऑफ टॉर्ट्स में या टॉर्ट्स में भी जरूरी है कि मेंटल एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं? नहीं, टॉर्ट्स में जरूरी नहीं है कि मेंटल एलिमेंट्स एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करें। रीजन ये है, जैसे आपको पता है क्रिमिनल रॉन्ग क्या होता है, जब हम कुछ क्राइम करते हैं, क्रिमिनल रॉन्ग का केस अगर कोर्ट में जाता है तो उसका रिजल्ट क्या आया, कोर्ट ने आपको पनिशमेंट दी। पनिशमेंट का मतलब क्या होता है, टू रिफॉर्म समवन, किसी को सुधारना। आप किसको सुधारते हो? आप उस इंसान को सुधारोगे ना जो दिमागी तौर से कमजोर है, जिसका इंटेंशन खराब है, जिसका एविल इंटेंशन है, जो चाहता है कि सामने वाले को नुकसान पहुंचे। अगर मैं चाहता ही नहीं हूं कि सामने वाले को नुकसान पहुंचे तो आप मुझे पनिशमेंट देके कर भी क्या लोगे? इसका एग्जाम्पल आप ऐसे समझिए, मैं हाईवे में गाड़ी चला रहा हूँ, हम सब जानते हैं कि हाईवे में गाड़ियों की अच्छी खासी स्पीड होती है, मैं सारे नॉर्म्स फॉलो करके गाड़ी चला रहा हूँ, अचानक से बीच में कोई आ गया, मैंने अपनी पूरी कोशिश करी उसको बचाने की पर मैं नहीं बचा पाया, तो क्या यहाँ मेरा इंटेंशन था उस इंसान को मारने का? नहीं, पर मेरी एक्ट तो थी, गलत तो हो गया, तो क्या ये क्राइम में आएगा? नहीं आएगा। पर मेरा इंटेंशन है आपको मारने का और मुझे पता है आप इतने बजे यहां से रोड क्रॉस करके निकलोगे या मार्केट जा रहे होगे, मैं उसी समय अपनी गाड़ी फुल स्पीड से लाता हूं और आपको मारते हुए चले जाता हूं, तब यहां पे क्राइम होगा। क्यों? क्योंकि मेरा इंटेंशन भी था और उस इंटेंशन के तहत मैंने एक एक्ट भी करी। ये इंटेंशन ही वो मेंटल एलिमेंट है। लेकिन टॉर्ट्स के केसेस में क्या होता है? टॉर्ट्स क्या है? टॉर्ट्स एक सिविल रॉन्ग है। सिविल रॉन्ग क्या होता है? सिविल रॉन्ग के केसेस में जो कोर्ट होती है वो सामने वाले को पनिशमेंट अवार्ड नहीं करती, वो कंपनसेशन देती है। तो जब सामने वाले को कंपनसेशन मिलना ही है तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि मेंटल एलिमेंट था या नहीं था? दोनों केस में आपने एक सिविल रॉन्ग किया, आपने टॉर्ट कमिट किया, तो यहां पर कंपनसेशन देना है। इसीलिए टॉर्ट्स में मेंटल एलिमेंट्स का कोई रोल नहीं होता और मेंटल एलिमेंट्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। लेकिन ऐसे कुछ टॉर्ट्स है जहां पे मेंटल एलिमेंट को देखा जाता है। क्यों देखा जाता है? उसका सबसे बड़ा रीजन ये है, केस टू केस जब आते हैं तो जब देखा जाएगा कि मेंटल एलिमेंट है कि नहीं, उससे ये होगा कि जब पनिशमेंट अवॉर्ड किया जाएगा तो उसकी एंग्रेविटी जो है वो ज्यादा बड़ी होगी अगर मेंटल एलिमेंट प्रेजेंट है। इसको आप ऐसे समझिए, देखिए टॉर्ट्स होते हैं दो टाइप के, इंटेंशनल और अनइंटेंशनल। इंटेंशनल या इंटेंशन का मतलब होता है इंस्पायर टू डू, मतलब एक एग्जांपल आप अपना ले लीजिए, मुझे पढ़ना है। क्यों? क्योंकि मुझे अपनी सेमेस्टर एग्जाम्स देनी है। मुझे पढ़ना है क्यों? क्योंकि मुझे ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम देनी है। ये एग्जाम देना मेरा इंटेंशन है, वो होता है इंटेंशन। इंटेंशन के बेस पे टॉर्ट्स तीन टाइप के होते हैं, एजॉल्ट, बैटरी और फॉल्स इम्प्रिजनमेंट।
जब कोई केस ऐसा आता है जो रिलेट होता है एजॉल्ट से, बैटरी से या फॉल्स इंप्रिजनमेंट से, तब वहां इंटेंशन को देखा जाता है कि इंटेंशन थी या नहीं थी। एजॉल्ट का मतलब क्या होता है? एजॉल्ट का मतलब होता है किसी को डराना, मैं मार्कर लेके ऐसा कर रहा हूं, ये एजॉल्ट है। तब तक है जब तक मैंने इसको रिलीज नहीं कर दिया हो और सामने वाले को लग ना गया हो। किसी को अपनी एबिलिटी से डराना, उसके मन में एक डर क्रिएट करना कि आप बस अब उसके ऊपर हमला करने वाले हो, वो होता है एजॉल्ट। अब इस ऐसे कौन से केसेस रहेंगे जहां पे आप देखोगे कि इसमें इंटेंशन था कि नहीं था एजॉल्ट के केस में? इसका आप ऐसे एग्जांपल लीजिए, मैं आपके पास आया, पास में आके मैंने ऐसे हाथ उठा दिया, मैंने आपको मारा नहीं, सिर्फ हाथ उठाया, और वो हाथ मैंने ऐसा उठाया कि आपके मन के अंदर एक डर जो है वो क्रिएट हो गया कि ये मुझे कभी भी मार सकता है, ये हो गया एजॉल्ट। यहां मेरा इंटेंशन भी था कि आपके मन के अंदर डर क्रिएट करना, तो मैं लाइबल रहूंगा। सेकेंड केस ऐसा समझिए, मेरे पास गन का लाइसेंस है, मैं गन लेकर कैरी करके चल रहा हूं मार्केट में, आप एक बायपासर हो जो मुझे देखते हो कि मेरे पॉकेट में गन लगी हुई है, क्या आपको पता है मेरे पास गन का लाइसेंस था? नहीं, आपको नहीं पता, लेकिन आपके मन में एक डर क्रिएट हो गया कि ये गन लेके जा रहा है, पता नहीं ये कौन है, कहीं ये यहाँ पे लोगों को नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा, कहीं ये मुझको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो जो आपके मन में डर क्रिएट हुआ, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं है, मेरा इंटेंशन तो था नहीं आपको एजॉल्ट पहुंचाने का, मेरा इंटेंशन क्या था? खुद को सेफ रखने का, इसीलिए मैंने गन का लाइसेंस लिया। इसीलिए बोला जाता है कि कुछ कुछ केसेस में इंटेंशन देखना जरूरी होता है, मेंटल एलिमेंट है कि नहीं, और कुछ कुछ केसेस में जरूरी नहीं होता। सेम गोज विद बैटरी, बैटरी का मतलब होता है फिजिकल टच, मैंने आपको मार ही दिया, वो हो गई बैटरी, पर मैं आपके साथ लोकल ट्रेन में या लोकल बस में ट्रेवल कर रहा हूँ और यॉन करते समय मैंने अपने हाथ को ऐसे स्ट्रेच किए और उस चक्कर में आपको लग गई, तो क्या मेरा इंटेंशन था आपको चोट पहुंचाना? नहीं था। तो अगर आप इस सिचुएशन में मेरे ऊपर केस करने जाओगे कोर्ट में, तो क्या कोर्ट उस चीज को मानेगा? क्या मुझे सजा मिलेगी? ऑब्वियसली नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहां पे मेरा इंटेंशन नहीं था, मेरे पास मेंटल एलिमेंट नहीं था। तीसरा होता है फॉल्स इंप्रिजनमेंट। फॉल्स इंप्रिजन मतलब किसी को रिस्ट्रेन कर देना, ऐसा रिस्ट्रेन करना कि वो चारों दिशा में कहीं भी नहीं निकल पाए, वो फंस जाए, उसको चारों तरफ से रोक देना, उसको बोलते हैं इंप्रिजनमेंट। लेकिन जब ये पुलिस या कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी नहीं करती है तो वो कहलाता है फॉल्स इंप्रिजनमेंट, किसी को रोक देना कहलाता है फॉल्स इंप्रिजनमेंट। गलती से मुझे नहीं पता था आप उस कमरे में हो और मैं कमरा लॉक करके चला गया, क्या मेरा इंटेंशन था आपको उस जगह पे बंद रखना? ऑब्वियसली नहीं था। मेरा कोई मेंटल एलिमेंट था आपको नुकसान पहुंचाने का? नहीं था। तो इस केस में भी आप मेरे ऊपर फॉल्स इंप्रिजनमेंट का सूट फाइल नहीं कर सकते हो, अनलेस एंड अंटिल मैंने आपको जबरदस्ती उस कमरे में बंद कर दिया, या आप जहां हो मैंने आपको वहीं पर ऐसा रिस्ट्रेन कर दिया कि आप चारों तरफ से ना निकल पाओ, और मेरा इंटेंशन था ऐसा करना कि मैं ये करूं और आपको नुकसान पहुंचे, या मैं करूं और मेरा कोई एक मोटिव था वो अचीव हो जाए, तब आप मेरे ऊपर फॉल्स इंप्रिजनमेंट का सूट फाइल कर सकते हो। तो ये है टॉर्ट्स बेस्ड ऑन इंटेंशन। जब कोई भी ऐसे केसेस आएंगे इन तीनों से रिलेटेड, तब देखा जाएगा कि मेंटल एलिमेंट है कि नहीं है। वो भी इसीलिए देखा जाएगा कि जब पनिशमेंट अवार्ड किया जाए या कंपनसेशन अवार्ड किया जाए, तो अगर मेंटल एलिमेंट था तो उसकी इंटेंसिटी या एंग्रेविटी ज्यादा हो, लेकिन अगर नहीं था तो फिर वो केस या सूट को डिसमिस कर दिया जाता है। सेकेंड होते हैं टॉर्ट्स बेस्ड ऑन अनइंटेंशन, जिनको अनइंटेंशनल टॉर्ट्स भी बोला जाता है। इसका सबसे परफेक्ट एग्जांपल है मोटर व्हीकल एक्ट या इंश्योरेंस के केसेस। मैं गाड़ी लेके निकल रहा हूं रास्ते पे, मैं जा रहा हूं, टर्निंग से एक बाइक आई, उसने मुझे ठोक दिया, अब मेरी गाड़ी का भी नुकसान हो गया, उसकी गाड़ी का भी नुकसान हो गया, थोड़ी गलती मेरी भी थी, थोड़ी गलती उसकी भी थी। ऐसे केसेस में क्या होगा? ऐसे केसेस में कुछ नहीं कर सकते, कंपनसेशन तो देना पड़ेगा। देता कौन है? अगर आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस है और सामने वाले का भी इंश्योरेंस है, तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम कर देगी। अगर उसका नहीं है, आपका है, तो आपकी इंश्योरेंस का थर्ड पार्टी क्लेम वो ले सकता है, वहां भी उसको इंश्योरेंस मिल जाएगा। तो जो अनइंटेंशनल टॉर्ट्स रहते हैं, जिसमें किसी का इंटेंशन नहीं था कुछ नुकसान पहुंचाने का, लेकिन वो एक्ट हो गई, तो उस केसेस में आपको कंपनसेशन देना ही पड़ता है, इरिस्पेक्टिव आपकी गलती थी आपकी गलती नहीं थी, लेकिन डैमेजेस जो है वो हुए, आपका इंटेंशन था नहीं था उससे कोई लेना देना नहीं होता है। ये तो बात थी इंटेंशन की।
इसमें आप एक और पॉइंट याद रखेंगे, मोटिव। अब ये मोटिव क्या होता है? देखो, इंटेंशन होता है इंस्पिरेशन टू डू समथिंग। जैसा मैंने आपको बताया, मुझे पढ़ना है क्योंकि मुझे सेमेस्टर एग्जाम पास करनी है, मुझे पढ़ना है क्योंकि मुझे सेमेस्टर एग्जाम पास करनी है, ये मेरा इंटेंशन है। क्यों? क्योंकि मुझे लॉ की डिग्री चाहिए, ये मेरा फाइनल मोटिव है। अल्टीरियर रीजन टू डू समथिंग, अल्टीरियर रीजन टू डू समथिंग। वो क्राइम पेट्रोल में देखते हो ना, उसमें ऐसे केसेस रहते हैं, मैंने उसको जहर दे के मार दिया। क्यों? क्योंकि मुझे उसकी प्रॉपर्टी चाहिए थी। जहर दे के मारना वॉज इंटेंशन, प्रॉपर्टी वो अल्टीरियर रीजन या अल्टीमेट गोल था सामने वाले का, वो था मोटिव। तो ये डिफरेंस है इंटेंशन और मोटिव को लेके। हालांकि टॉट्स में मोटिव का कोई ऐसा इंपॉर्टेंस नहीं है, अगर इंटेंशन है तो इट इज मोर देन सफिशियंट टॉट को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए। मोटिव हो ना हो उसका कोई लेना देना नहीं होता। यूजुअली जो मोटिव होता है वो पुलिस का काम रहता है, इन्वेस्टिगेशन के तौर पे अगर उनको कुछ मोटिव मिल जाए तो उनके लिए केस सॉल्व करना ज्यादा ईजी हो जाता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, मेंटल एलिमेंट इन टॉट्स। इसको क्विकली हम देखेंगे तो हमने इसमें ये देखा, पहले हमने देखा क्राइम के बारे में, क्राइम होता क्या है, उसमें हमको पता चला कि उसमें मेंटल एलिमेंट इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि क्रिमिनल रॉन्ग का जो रिजल्ट है वो होता है पनिशमेंट। किसी को पनिशमेंट देना या किसी को सुधारना, आप किसको सुधार सकते हो? जो दिमागी तौर से कमजोर होगा, जिसका मेंटल एलिमेंट ढीला होगा सिंपल भाषा में। पर टॉट के केस में ये जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सिविल रॉन्ग है, यहां कंपनसेशन दिया जाता है। तो क्या मतलब है, सामने वाले का कोई मेंटल एलिमेंट था नहीं था, इंटेंशन था कि नहीं था? लेकिन कुछ ऐसे केसेस है जहां पे इंटेंशन देखा जाता है। वो कौन से केसेस है? एजॉल्ट, बैटरी और फॉल्स इंप्रिजनमेंट के। और ये इसलिए देखा जाता है ताकि जब कोर्ट अपना डिसीजन सुनाए तो अगर इंटेंशन प्रेजेंट है तो एनग्रेविटी या फिर इंटेंसिटी, जो भी कंपनसेशन या पनिशमेंट दिया जा रहा है, उसकी ज्यादा होगी। और अगर इंटेंशन प्रेजेंट नहीं है, कोई इंटेंशन नहीं है, कोई मेंटल एलिमेंट नहीं है, तो फिर नॉर्मल कंपनसेशन होगा। दूसरा हमने देखा था अनइंटेंशनल टॉट्स, कुछ भी हो, कैसा भी रीजन हो, डैमेजेस और कंपनसेशन देना ही है। लास्ट हमने देखा इंटेंशन और मोटिव के बीच का डिफरेंस। इंटेंशन यानी इंस्पिरेशन टू डू समथिंग, एंड मोटिव अल्टीरियर रीजन टू डू समथिंग। थैंक यू वेरी मच, हम क्लास को यहीं खत्म करते हैं, मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर पे, लेक्चर नंबर 4 पे। थैंक यू।